रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स और रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या अंतर है? रिफ्रैक्टिंग में दो लेंसेज यूज करते हैं, रिफ्लेक्टिंग में मिरर भी यूज करते हैं, वो रिफ्लेक्शन से बनता है। डायग्राम याद करना है, कुछ नहीं करना। इसके अंदर रिफ्लेक्टिंग टाइप का दूसरा नाम न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। बॉक्स में डाल लें, पेपर में रिफ्लेक्टिंग नहीं आएगा, न्यूटोनियन आएगा। फिर मत कहना कि हमें पता नहीं लगा कि कौन सा टेलीस्कोप बनाना है, न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप आएगा। तो इसके अंदर ये आपने मान लो रेज आई पैरेलल, यहाँ पे स्फेरिकल कनकेव मिरर लगता है। मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। ये कन्वर्ज करने की कोशिश करता है, 45 डिग्री बेंड करके एक प्लेन मिरर को लगाया जाता है। मिरर जब प्लेन होता है तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ से रेस पास होके और दूसरा आई पीस पे क्या रखा जाता है, लेंस ही रखा जाता है। मतलब ऑब्जेक्टिव में मिरर्स हैं, आई पीस में लेंस है, और ये लेंस क्या करता है, यहाँ पर इमेज बनाता है। तो ये डायग्राम याद करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ मैथमेटिकल पोर्शन नहीं है। तो ये आपने याद करना है, जिसमें न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पर डायग्राम बनाना आएगा, डायग्राम बना देना, बात खत्म। ठीक, कुछ नहीं है इसमें करना।